1.5 लाख रुपए का बजट है और बाइक्स के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और एक अच्छी बाइक खोज रहे हैं, तो मैं बताने वाला हूं आपको 5 ऐसी बाइकें जिनको आप अपने घर ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं NBT ऑटो में, और मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी ऐसी 5 बाइकें हैं जो 1.5 लाख रुपए में वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती हैं आपके लिए। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यामा की FZS Fi वर्जन 4 का। इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1.28 लाख रुपीज से। इसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 150 सीसी का इंजन आता है जो कि 12.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ आपको 13.3 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। इसमें ऑयल कूल टेक्नोलॉजी आती है आपको। इसके कर्व वेट की बात करूं तो इसमें 136 kgs का आपको कर्व वेट मिलता है। एंड इसके फ्रंट से आप देखेंगे तो इसकी जो आई कैचिंग चीज है वो है इसकी ऑल LED सेटअप, जो कि आपको फ्रंट और रियर में दोनों जगह मिलती है। एंड साथ ही साथ इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। एंड जो इसमें टायर्स ऑफर किए गए हैं वो 17 इंचेस के हैं। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। इसके रियर सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोसॉक सस्पेंशन ऑफर किया गया है। और साथ ही साथ आप साइड से जब आप देखेंगे तो इसका पेट्रोल टैंक जो है इसमें आपको 13 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। और जब आप इसको साइड से देखेंगे इसका जो एग्जॉस्ट काउल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स वाली लुक देता है। एंड अगर आपको इसका डिटेल परफॉर्मेंस रिव्यू देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से इस बाइक के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बाइक की ओर, जो कि है TVS के पोर्टफोलियो से, और ये है अपाचे RTR 164V। इस बाइक का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1.23 लाख रुपीज़ का, और साथ ही साथ ये बाइक जाती है 1.32 लाख रुपीज़ तक जाती है। इसके इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है जो कि ऑयल कूल्ड ऑप्शन के साथ आता है। और इसकी पावर की बात करूं तो इसमें आराम से आपको 17.55 PS का पावर मिलता है और 14.73 NM का टॉर्क मिलता है। इस बाइक को जब आप फ्रंट से देखेंगे तो अपाचे वाला जो स्पोर्टियर लुक होता है वो इस बाइक में कैरी फॉरवर्ड किया गया है और मजा आता है इस बाइक को खूब चलाने में। ये बाइक सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर और कंफर्ट ऑफर करती है। इसकी सीट हाइट की बात करूं तो इसमें आपको 800 mm का सीट हाइट मिलता है जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और एक चीज और कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन ये बाइक देती है, और इसका कर्व वेट है 146 kgs का। इसमें आपको फ्रंट से जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है, MID है वो आपको डिजिटल मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में, और इसमें 17 इंचेस के टायर्स आ जाते हैं। एंड इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ऑफर किया गया है। साइड से जब आप इस बाइक को देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका जो USP दिखता है मुझे वो है इसकी सीट, जो कि है काफी कंफर्टेबल, और इसमें आपको सिंगल सीट ऑफर की गई है। एंड एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है वो 13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ आता है। एंड साथ ही साथ इसका जो एग्जॉस्ट है वो आप देखेंगे तो बुल पॉप आपको एग्जॉस्ट यहाँ पे TVS ने ऑफर किया है। आपको ये TVS का बुल पॉप एग्जॉस्ट कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें आपको 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बाइक की ओर, जो कि है बजाज के पोर्टफोलियो से, और ये है बजाज पल्सर N160। इस बाइक के एक शोरूम की बात करूं तो इसका एक शोरूम प्राइस है 1.3 लाख रुपीस का। इसके इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 160 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन ऑफर किया गया है। एंड इसकी पावर आउटपुट जो है वो 16 PS की है। एंड साथ ही साथ इसमें 14.6 NM का टॉर्क मिलता है। अब बढ़ते हैं इसके सीट हाइट और कर्व वेट के बारे में बताता हूं आपको। तो कर्व वेट है 154 kgs का। इस बाइक को आप जब फ्रंट से देखेंगे तो यहां पे आपको ऑल LED सेटअप मिल जाएगा फ्रंट में एंड रियर में। और साथ ही साथ जब आप इसके सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें आपको मोनोसॉक सस्पेंशन रियर में मिल जाता है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए हैं। इस बाइक की अच्छी बात यह है कि इसमें ड्यूल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS दोनों ही आते हैं, तो आप अलग अलग अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं उस बाइक को। एंड इसके टायर प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें आपको 17 इंचेस के टायर ऑफर किए गए हैं, और इस बाइक में आपको डिजिटल MID ऑफर किया है बजाज ने। अब बढ़ते हैं साइड की ओर, तो साइड से मैं बता दूं इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग तरह के। एंड जब साइड से आप देखेंगे इस बाइक को तो काफी ज्यादा मजा आता है इस बाइक को देख के। और इसमें आपको जो एग्जॉस्ट है वो अंडर बेली है, तो आपको कहीं पे भी एग्जॉस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एंड काफी अच्छा साउंड देता है इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगली बाइक की ओर, जो कि है बजाज के ही पोर्टफोलियो से, और वो है पल्सर NS 160।
अब ये बाइक का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एंथुजियाज्म रखते हैं अपनी बाइक्स को लेके, आपको थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अब इस बाइक के इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो इस बाइक में आपको 160 सीसी का इंजन ऑफर किया गया है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 17.2 पीएस की, और साथ ही साथ इसमें आपको 14.6 एनएम का टॉर्क ऑफर किया गया है। एनएस 160 का एन 160 से वेट 2 केजीज कम है, मतलब इसमें आपको जो वेट मिलता है वो है 152 केजीज का। इसमें आपको अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन आ जाते हैं फ्रंट में, और पीछे आपको मोनोसॉक सस्पेंशन ऑफर किया गया है। अब बढ़ते हैं इसकी कलर ऑप्शंस की ओर, तो इसमें आपको 4 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहीं आपको पल्सर N160 में 3 कलर ऑप्शंस मिलते थे। और साथ ही साथ इसमें आपकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी 2 लीटर्स कम हो जाती है, आपको NS160 में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं आपको N160 में 14 लीटर की कैपेसिटी मिल रही थी। इसमें भी आपको स्प्लिट सीट ऑफर कर दी गई है, और साथ ही साथ जो आपका अंडर बेली एग्जॉस्ट है वो आपको NS160 में देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं हमारी पांचवी और आखिरी बाइक की ओर, जो कि है हीरो के पोर्टफोलियो से, और ये है अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुई एक्सट्रीम 164V। इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 1.27 लाख रुपीज से शुरू होता है, जो कि 1.36 लाख रुपीज तक जाता है। इसके इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 160 सीसी का इंजन ऑफर किया गया है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 16.9 पीएस की, और साथ ही साथ 14.6 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक को जब आप फ्रंट से देखेंगे तो ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया सा लुक आता है, इसका स्पोर्टियर सा लुक आता है, हालांकि जो आपको पहले 2V वाला लुक था वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसमें ऑल LED सेटअप मिलता है आपको फ्रंट और रियर में। और मैं आपको बता दूं इसमें आपको 17 इंचेस के टायर ऑफर किए गए हैं। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूं तो इस बाइक में आपको 795 mm की सीट हाइट ऑफर की है, और जो इसका वेट है वो 146 kgs का है। इस बाइक का भी अगर आप राइड एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से आप मेरा राइड एक्सपीरियंस देख सकते हैं। इस बाइक में आपको 4 अलग अलग तरह के कलर ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं, और इस बाइक के एग्जॉस्ट को देखेंगे तो काफी ज्यादा बढ़िया इसका स्पोर्टियर सा लुक आता है एग्जॉस्ट का, और काफी अच्छी साउंड भी आती है। आपको इन पांचों बाइक्स में से कौन सी पसंद आई, और आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं तो आप कौन सी बाइक स्पेंड करना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बाइक ढूंढ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसा कंटेंट मिस ना कर सकें। और मैं मिलता हूं आपको फिर किसी वीडियो में।